दीपावली को आने में अब कुछ ही दिन का समय रह गया है। इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। साथ ही बच्चे इस अवसर पर पटाखे छोड़ते हैं। माना जाता है कि दिवाली के समय कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्त पर है। माँ की अत्यधिक कृपा किस पर बनी हुई है, ये इस दिन चंद संकेतों से जाना जा सकता है। जाने कुछ ऐसे संकेतों के बारे में। दीपावली पर छिपकली का दिखना काफी शुभ माना जाता है। हालांकि ऐसे तो छिपकली दीवार पर आसानी से दिख जाती है, लेकिन यदि व्यक्ति को दीपावली के दिन छिपकली दीवार पर रेंगती हुई दिखाई देती है, तो पता चलता है कि लक्ष्मी जी की कृपा आने वाली है। मान्यताओं के अनुसार छिपकली के दिखने से पैसों की तंगी दूर होती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे आते हैं। शास्त्रों में प्रचलित शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी विशेष समय पर दिखना, जमीन पर या शरीर पर गिरना भविष्य की शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत होता है। इसके अलावा छिपकली शरीर के किस खास हिस्से पर गिरी है, इससे भी भविष्य की शुभ अशुभता जुड़ी होती है। शास्त्रों के मतानुसार छिपकली यदि दिवाली की रात घर में दिखाई दे जाए तो इसे लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके आने से वर्षों के लिए वे घर पर सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेती है। माना जाता है कि जब भी कभी आपको घर में दीवार पर छिपकली दिखे तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा कुमकुम चावल ले आए और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ऐसा करते हुए अपने मन की किसी मुराद को भी मन ही मन बोलें और ये कामना करें कि वे पूरी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि छिपकली एक पूजनीय प्राणी है और इसका पूजन करने से धन संबंधी समस्याओं का अंत हो जाता है। छछुंदर भी है शुभ। कई लोगों को शिकायत होती है कि उनके घर में छछुंदरों ने परेशानी मचा रखी है, लेकिन दिवाली के पर्व पर छछुंदर का दिखना काफी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि यदि इस रात में छछुंदर दिख जाए तो आर्थिक फायदा होता है। बिल्ली का घर में आना दीपावली की रात। बिल्ली का घर में आना भी काफी शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि बिल्ली घर में आकर दूध पी जाती है तो इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनती है। उल्लू का दिखाई देना नवरात्रि के साथ साथ दीपावली की रात में उल्लू का दिखाई देना भी काफी शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि उल्लू को माँ लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि उल्लू का रात में दिखना काफी शुभ है। जिसे उल्लू दिवाली की रात में दिख जाता है उस पर लक्ष्मी जी की कृपा आने लगती है। त्योहार का टाइम है, नवरात्रे, फिर करवा और अब दिवाली। दिवाली आते ही लोग इन त्योहारों में लग जाते हैं कि रोशनी के इस त्योहार को और खास कैसे बनाया जाए, इस बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। दीपावली की तैयारियों में सबसे पहला नंबर आता है सफाई का। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली की सफाई से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताओं के बारे में। कहते हैं कि दीपावली से पहले सफाई में अगर आपको कुछ खास चीजें मिले तो माना जाता है कि इस बार आपकी दीपावली बहुत खास होने वाली है और आप पर माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होगी। दीपावली की सफाई करने में अक्सर लोग अपनी अलमारियों को भी फिर से सही करते हैं और पुराने व बेकार हो चुके कपड़ों को हटाते हैं या फिर ऐसे पर्स को भी हटा देते हैं जो बहुत दिन से यूज में ना आए। अगर ऐसा है, किसी पर्स या किसी कपड़े की जेब में आपको पैसे मिल जाएं जिनके बारे में आपको याद ही ना हो,
तो ये बहुत ही लकी माना जाता है। अगर आपको भी इस बार सफाई में ऐसे ही कुछ पैसे मिले तो इसे लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मानकर धार्मिक कार्यों में ही आपको प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आएगी। दीपावली की सफाई में लोग अपने पूजा घर को बहुत ही ढंग से साफ करते हैं और पुरानी हो चुकी या फिर खराब हो चुकी वस्तुओं को हटा देते हैं। अगर पूजा घर की सफाई करते वक्त आपको मोरपंख या मुरली मिल जाए तो खुश हो जाना चाहिए। इन दोनों चीजों का संबंध भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी से माना जाता है। अचानक से इन वस्तुओं के मिलने का अर्थ है कि आप पर विष्णु जी की पत्नी माने जाने वाली माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी हुई है। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। शंख और कौड़ी का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। अगर दीपावली की सफाई में आपको फालतू सामान हटाते समय शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे प्रभु कृपा समझकर गंगा जल से धोकर अपने धन के स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि स्थापित होती है। इसके साथ ही घर की सफाई करते समय अक्सर पुराने कैलेंडर में भगवान की तस्वीर मिल जाती है। भूलकर भी इन तस्वीरों को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें अपने बच्चों के पढ़ने के स्थान में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चों की बुद्धि तेज होती है। दीपावली पर महिलाएं रसोई की सफाई करती हैं और पुरानी हो चुकी या फिर खराब हो चुकी दालें या अन्य खाने की चीजें फेंक देती हैं। अगर इन्हीं में आपको अक्षत यानी कि कहीं पर आपको चावल मिल जाएं जिनके बारे में आपको ज्ञात नहीं हो या फिर आप भूल चुकी हो तो इन्हें आपको गुड लक की तरह मान लेना चाहिए। अक्षत का संबंध माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह के साथ होता है और दोनों ही हमारे जीवन में भौतिक सुविधाएं और खुशियां प्रदान करते हैं। ऐसे चावलों का प्रयोग खाने में ना करें, बल्कि पूजा पाठ से जुड़े कार्यों में करें। माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग लाल होता है। उनकी पूजा में लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर आपको दीपावली की सफाई करते समय किसी अलमारी के किसी कोने में लाल कपड़ा मिल जाए तो इसे अपना सौभाग्य समझकर रख लें। लाल रंग का कपड़ा मिलना आपके आने वाले सुनहरे कल के बारे में बताता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ छोटी छोटी बातें। क्या खाना आपके लिए शुभ है? केला और गन्ना। जी हाँ, केला और गन्ना आपके लिए खाना बहुत ही शुभ है। आप भूल से भी मांस मदिरा का सेवन ना करें, इससे माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। आपको गाय को यानी कि गौ माता को केला खिलाना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। आपको दिवाली पर रंग बिरंगे नए धुले हुए और साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। आपको भूल से भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, वो शुभ नहीं माने जाते। आपको दिए में कौड़ी और सिक्का डालना चाहिए। चौराहे पर दिया जलाएं और उसमें कौड़ी और सिक्का डाल दें।